हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत पर अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर कोरोना से निपटने का पूरा प्लान मांगा है। नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात बताए हैं। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहा है कि हालात पर क्या कर रहा है केंद्र, इसको लेकर जानकारी दी जाए। मामले की अगली सुनवाई अब कल होनी है। संजय शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत है, हर राज्य की तस्वीर तकरीबन एक जैसी है। जरूरी दवाएं लोगों को नहीं मिल पा रही, इस पर कोर्ट ने अब स्वतः संज्ञान लिया है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह के हालात हैं उसमें सिर्फ कमी का ही रोना है हर जगह। कहीं बिस्तर की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की कमी है, कहीं कोविड के जो टीके आए हैं उनकी चोरी हो गई, उसकी कमी है। यानी हर तरफ कमी का रोना है सुप्रीम कोर्ट ने आज। तभी वेदांता का मामला था जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने वाली इकाई को फिर से चालू करने की बात थी, और ये कहा गया कि वेदांता की जो यूनिट है उसमें टूटीकोरिन में, वहाँ पर 1,000 टन ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई उत्पादन हो सकता है, उसे पर्यावरण के कुछ आपत्तिजनक कारणों से उसे बंद किया गया है 3 साल से, उसे खोलने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनवाई करते करते अचानक ये तय किया कि इस मामले में वो स्वतः संज्ञान ले रहा है। स्लो मोटो लेते हुए उन्होंने वेदांता के वकील हरीश साल्वे को उन्होंने अमाइकस क्यूरे नियुक्त किया, और कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर आनन फानन में उनसे ये जवाब देने को कहा है कि 4 बड़े मुद्दे हैं। एक तो वैक्सीनेशन का क्या हो रहा है, दूसरा जो दवाएँ हैं आवश्यक दवाएं उनकी आपूर्ति को लेकर, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर, और अन्य उपाय जो किए जा रहे हैं कोविड से निपटने के लिए उसको लेकर केंद्र सरकार अपनी युद्ध स्तर पर योजना बताए। कोर्ट की टिप्पणियां सबसे अहम थी कि देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, ऐसे में इन चारों बिंदुओं पर सरकार की योजनाएं और योजनाओं के बाद उस पर अमल कैसे होगा, इसकी एक एक जानकारी कोर्ट ने मांगी है। यानी शुक्रवार की सुनवाई अहम है। सुनवाई शुरू होने से पहले तक केंद्र सरकार को अपनी सारी योजनाओं और उस पर कोर्ट के सवालों के जवाब के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। संजय, कोर्ट ने नेशनल इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया, और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है तब जबकि देखा जा रहा है कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच या फिर राज्य और राज्यों के बीच तालमेल उस तरह का नहीं बैठ रहा। पिछली बार जिस तरह का तालमेल था उस तरह का तालमेल तो बिल्कुल नहीं हो रहा, और उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन से भरे हुए ट्रक को जो दिल्ली के लिए आ रहा था, जो अस्पतालों की रेगुलर रोजाना की सप्लाई के लिए था, उसे पड़ोसी राज्य में अगवा कर लिया, कह दे रोक लिया कि वो यहीं पर रहेगा, और दिल्ली से पुलिस जाती है। आप नजर बना रखिए, लौटेंगे। लेकिन इस बीच 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले दिल्ली का आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सांसों का संकट कैसे जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की ऑक्सीजन रिपोर्ट दी, जिसमें अस्पतालों तक तो ऑक्सीजन पहुंची लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं सुधरे हैं। देश भर में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है केंद्र सरकार तय करती है कि इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, इस राज्य को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था, ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। अब केंद्र सरकार ये भी तय करती है कि जो आपके कोटे की ऑक्सीजन है वो कौन सी कंपनी देगी। जैसे दिल्ली में तो ऑक्सीजन बनती नहीं है, दिल्ली की सारी ऑक्सीजन दिल्ली के दूसरे राज्यों से, दिल्ली के बाहर के दूसरे राज्यों से आती है। अब दूसरी समस्या यहाँ पे आ रही है कि ये जो कंपनियाँ जिन राज्यों में हैं उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश पूरी की जा रही है कि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए। लेकिन इस बीच हालात पूरे देश के क्या हैं, अलग अलग राज्यों की क्या स्थिति है, वो भी हम आपको लगातार दिखा देते हैं क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति बेकाबू होती जा रही है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पहले नंबर पर 67,000 के पार मामले, उत्तर प्रदेश 33,214 केसेस, दिल्ली का हाल बेहाल क्योंकि 24,000 से भी ज्यादा मामले, कर्नाटक चौथे नंबर पर 23,000 के साथ और केरल 22,414 मामले, ये पिछले 24 घंटे का डेटा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य में किस कदर हालात खराब है ये भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी खबर ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, तस्वीरें साथ ही साथ दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से अब ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। अहमदाबाद की सबसे दर्दनाक तस्वीर जहां पर 50 एम्बुलेंस इंतजार कर रही कि कब वहां पर मरीजों का एडमिशन होगा। इस बीच ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा कमी, इसको लेकर सियासत और अरविंद केजरीवाल के तमाम बयान। और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जुड़ चुके हैं। अनिल जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि उनके कोटे की ऑक्सीजन दूसरे राज्य इस्तेमाल कर रहा है जिसमें हरियाणा का नाम भी आता है। नहीं देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे समय पर वो इस प्रकार के अफवाहें मत फैलाएं। हमारे हरियाणा में हम किसी की ऑक्सीजन नहीं रोक रहे। जो हमें एलोकेशन हुई है कल और जो पानीपत प्लांट में हुई है, हमने बकायदा उसका रोस्टर बना दिया कि दो टैंकर दिल्ली के भरे जाएंगे, उसके बाद एक टैंकर हरियाणा का भरा जाएगा, और क्योंकि हमको पंजाब को भी देना है 8वां 9वां टैंकर जो है वो पंजाब का भरा जाएगा, और उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हमने अपने वहां पर वरिष्ठ अधिकारी लगा रखे हैं, हम किसी की क्यों रोकेंगे ऑक्सीजन, आप मुझे बताइए। हम तो, ये तो राष्ट्रीय आपदा है, सबको चाहिए, और इसके इस प्रकार की वो अफवाहें, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि वो इस प्रकार की अफवाहें मत फैलाएं। लोगों में भ्रांति फैलती है, लोगों में भय फैलता है, लोगों में चिंता फैलती है। जी विच साहब, केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं, आपने कहा कि भ्रांति ना फैलाएं, सियासत नहीं होनी चाहिए, यही बातें उन्होंने कही कि तालमेल बिठाए रखना चाहिए। क्या दिल्ली की कमी हरियाणा पूरी कर सकता है? ऑक्सीजन की जितनी मात्रा में दिल्ली को चाहिए क्या उतनी मात्रा में आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या हो सकती है आपूर्ति? बिल्कुल, जो एलोकेशन हुई है केंद्र ने रात को फ्रेश एलोकेशन की है, हमारी भी की है तो, और पंजाब की भी की है, जो हरियाणा से पूर्ति होनी है हमें बाहर के प्लांटों से भी मिलनी है, तो जो एलोकेशन की है एक एक जो लीटर है वो हम दिल्ली को देंगे, हम किसी की रोकेंगे नहीं। बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन पर आऊंगी क्योंकि जींद में 1710 डोजेस चोरी हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वहां पर चोरी हुई है लेकिन हमने वहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड की वहां पर वो खेप पहुंचा दी है, और शाम तक वहां पर 6,000 जो डोजेज हैं वो हो जाएंगी, हम काम को प्रभावित नहीं होने देंगे। अब चोरी हुई है, सीसीटीवी कैमरा में वो जो चोर हैं वो आगे हैं, पर सर वहां तो सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं था, यही तो बड़ी बात है। अस्पताल प्रशासन और पुलिस यही कह रही है, पुलिस प्रशासन यही लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा नहीं, जी नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मेरी बात हो गई अधिकारियों के साथ और वो कह रहे हैं कि उसमें चोरों की बिल्कुल पहचान हो रही है। विच साहब, हालात क्या हरियाणा में इतने खराब हो गए हैं कि अब चोर सीधा वैक्सीनेशन ही चुराने लग गए हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है? नहीं देखिए, अब वैक्सीनेशन से किसी को क्या लेना, अब चोर की क्या मानसिकता थी हमको मालूम नहीं है, वहां पर और सामान भी पड़ा हुआ था, उसने किसी को टच नहीं किया है, तो ये तो अब चोरी की मानसिकता जो है उस पर हम पूरी नकेल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात विच साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्थिति क्या है, किस तरीके से कंट्रोल होगी, खास तौर पर अगर दिल्ली लॉकडाउन हो जाती है तो फिर जो पड़ोसी शहर है फरीदाबाद गुड़गांव वहां पर इंतजाम कैसे है? हरियाणा में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है,
हमारे पास सफिशियंट मात्रा में आइसोलेशन बेड्स हैं, हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं सफिशियंट मात्रा में, और अभी तक वो अनऑक्यूपाइड हैं। जितने हमारे पास क्वांटिटी है अभी सारे यूटिलाइज नहीं हुए हैं। हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास रेमडेसिविर है, हमारे पास ऑक्सीजन है। दिक्कत केवल एक आ रही है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि मुझे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में एडमिट करवा दो। अब देखिए, अब उनकी भी अपनी सीमा है, कैसे सारे लोगों को वहां भेजा जा सकता है और वहां पर एडमिट कराया जा सकता है, और वहां पर उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है। हर आदमी जो साधन संपन्न आदमी है वो चाहता है कि मुझे बड़े प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए, बल्कि अदरवाइज हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर अगर प्रेशर है तो वो गुड़गांव पर है, सोनीपत पर है, फरीदाबाद पर है। ये तीनों जिले दिल्ली से सटे हुए हैं। मेरे जितने टोटल मरीज हैं आधे इन तीन जिलों के हैं, और बहुत बड़ी संभावना हो सकती है क्योंकि दिल्ली में बहुत किल्लत बताई जा रही है, वहां के मरीज आ रहे हों। लेकिन आगे तो आगे, मरीज तो मरीज है, मेरे देश का मरीज है, जो भी आएगा। बहुत 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 धन्यवाद आज तक के साथ जुड़ने के लिए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। उस वक्त ये था कि उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने वहां से डिलीवरी नहीं आने दी। कल उत्तर प्रदेश से सुचारू सिस्टम चला तो हरियाणा के अधिकारी वहां के प्लांट्स में जाके बैठ गए, उन्होंने वहां से नहीं जाने दी। हरियाणा के पानीपत के ऑक्सीजन के प्लांट से, जो एयर लिक्विड का प्लांट है, वहां से रात को 3 बजे तक ऑक्सीजन नहीं निकलने दी दिल्ली की, 12 बजे तक। और जब जाके 12 बजे वो अधिकारी हटे, उसके बाद में निकली है। अगर केंद्र सरकार द्वारा कल बढ़ाए गए कोटे को छोड़ भी दें तो कल तक 378 मीट्रिक टन दिल्ली सरकार का कोटा था। इस 378 मीट्रिक टन में से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों के और वहां की पुलिस की दादागिरी की वजह से केवल 177 मीट्रिक टन ही कल उठ पाया, 177 मीट्रिक टन उठ पाया, जो कि 378 मीट्रिक टन उठना चाहिए था। क्योंकि जहां से उठना था, जहां से ऑक्सीजन उठनी थी, वहां पे पुलिस और वहां के अधिकारी आके बैठ गए, वहां के सीनियर अधिकारी आके बैठकर उन्होंने वहां दिल्ली के लिए ट्रक को एंटर ही नहीं करने दिया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में। आज जो दिल्ली में चारों तरफ से ऑक्सीजन की तराही तराही मच रही है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों में ऑक्सीजन को लेकर जंगल राज मचा रखा है। वहां की सरकारें, वहां के अधिकारी, वहां की पुलिस वहां के ऑक्सीजन प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन निकलने नहीं दे रही है। हमारे अधिकारियों ने वहां के सीनियर अधिकारियों से बात की है, भारत सरकार के इंटरवेंशन में भी हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वहां जमीन पर स्थिति नहीं बदल रही है। हमारे टैंकर्स बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। केवल हरियाणा के प्लांट में हरियाणा के टैंकर्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। मेरी केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस समय जिस दरिया दिली से और जो बहुत व्यवहारिक समझ के साथ में आपने दिल्ली का कोटा बढ़ाया था हमारी रिक्वेस्ट पे, उतने कोटे की ऑक्सीजन हमको मिल सके, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें भी इंटरवीन करें कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश की जो सरकारें या वहां की जो पुलिस है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं, जो ट्रक्स को नहीं घुसने दे रहे, इसमें भी आपको इंटरवीन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।